यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार हो गए, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ चल रही है। सांपों के जहर वाले मामले में जो रेव पार्टी थी उसी केस में ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी अपडेट जानिए, एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई है और अभी उनसे पूछताछ भी चल रही है। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सीक्रेट लोकेशन पे ले गई है और वहीं इनसे पूछताछ कर रही है। पहले आरोप लगे थे उस मामले में, जो है एफआईआर भी दर्ज हुई थी कि पार्टी होती है और वहां पर सांप का जहर सप्लाई किया जाता है, उसमें एल्विस यादव का नाम आया था, ये आरोपी थे। और अभी जो है नोएडा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ चल रही है। थोड़ी ही देर में अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट सामने आ गई है कि सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ हो रही है, अब इन्हें कोर्ट में थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, कहां पूछताछ चल रही है इस बारे में कोई जानकारी, और कहां से गिरफ्तार किया गया ये भी बताइए जरा। देखिए, पूछताछ के बारे में अभी तक नोएडा पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एल्विस यादव का मेडिकल करवाया जा चुका है और अब थोड़ी ही देर बाद एल्विस यादव को नोएडा कोर्ट में पेश किया जाएगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनके सामने पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि एल्विस यादव की रिमांड की मांग नोएडा पुलिस करती है या नहीं करती है, क्योंकि यूपी पुलिस की प्रैक्टिस रही है कि पहले आरोपी को जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद आरोपी की रिमांड की मांग की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके कि आज एल्विस यादव जेल चले जाएंगे और उसके बाद एल्विस यादव की रिमांड की मांग नोएडा पुलिस कर सकती है, ऐसा हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। एल्विस यादव की जो ये एफआईआर थी, ये नवंबर 2023 में दर्ज की गई थी, जिसमें एल्विस यादव का नाम छठे नंबर पर था, 7 कॉलम बनाए गए थे, 7वां अन्याय पर था और 5 आरोपियों को पहले ही नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें सांपों की तस्करी और सांप के जहर का मामला सामने आया था। और जब जहर की जांच करवाई गई थी तब वो सांपों का जहर ही निकला था। तो कहीं ना कहीं आज एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जब पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया और सही सवालों के जवाब नहीं दिए तब नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब ये देखना होगा कि नोएडा पुलिस रिमांड की मांग करती है या फिर आज एल्विस यादव जेल चले जाएंगे। ठीक है मनोज, काफी अहम जानकारी, आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार पर ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा है। महादेव बैटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भूपेश बघेल पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 लोगों के नाम शामिल हैं। भूपेश बघेल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। भूपेश बघेल पर अब जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, आपराधिक साजिश और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और सिर्फ भूपेश बघेल का ही नाम नहीं है, उसमें महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 लोगों का नाम है। यह भी बड़ी अपडेट है। अब चलिए एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि 24 के जो चुनावी संग्राम का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ ही औपचारिक तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए महायुद्ध की शुरुआत भी हो गई है। अब बड़ी खबर क्या है कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, मुंबई में राहुल गांधी की जनसभा है। चुनावी शंखनाद के बाद ये पहली जनसभा है दोनों नेताओं की। राहुल गांधी जो हैं वो मुंबई में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दक्षिण को साधने के लिए आंध्र प्रदेश में हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, मुंबई में राहुल गांधी की जनसभा, कल जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उसके बाद ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि दोनों बड़े बड़े नेता, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, वो इस समय दक्षिण को साधने पर लगे हुए हैं तो वो आंध्र प्रदेश में हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जो हैं वो इस समय मुंबई में हैं। तो आपको मैं दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने दक्षिण के मिशन पर लग गए हैं कि भाजपा का जो प्रदर्शन है, बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो और अच्छे कैसे किया जाए। और आज यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63 दिन के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में इसका समापन हो रहा है। इसको लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन कहिए इसको, न्याय यात्रा समापन रैली के जरिए विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है ये। शिवाजी पार्क की रैली में शामिल होंगे कई दिग्गज नेता विपक्ष के। मंच पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश भी विपक्षी नेता देंगे।
अब मैं आपको पश्चिम में जो राहुल गांधी लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उससे जुड़ी कुछ जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं कि राहुल गांधी का जो शक्ति प्रदर्शन पश्चिम में चल रहा है, समापन रैली है 12 जोड़ो न्याय यात्रा की, जगह कौन सी है तो शिवाजी पार्क मुंबई में, और रैली का समापन समय जो है अब से कुछ ही देर के बाद 5 बजे का रखा गया है। इसके अलावा भी जानकारियां हैं, कितने राज्यों को इन्होंने कवर किया, 15 राज्यों को कवर किया, कुल किलोमीटर कितना चले तो 6700 किलोमीटर चले। मकसद क्या था? विपक्ष की एकजुटता का संदेश देना, तब जो राहुल गांधी थे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे। तो 15 राज्य उन्होंने कवर किए, 6700 किलोमीटर जो है इतनी लंबी इनकी यात्रा रही थी। कृष्णा हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जो है वो जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। 5 बजे समापन हो जाएगी इस यात्रा की, लेकिन कितना असर ये यात्रा अभी भी विपक्ष को एकजुट करने में या फिर लोगों को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने में ये कर पाई है, इसका जरा बताइए कृष्णा। विवेक, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कितना कांग्रेस को मिलेगा या विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिलेगा वो अब लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 14 जनवरी से जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ था उसका समापन कल मुंबई में हुआ, और आज राहुल गांधी ने सुबह सुबह पद यात्रा किया है। दक्षिण मुंबई के गांधीनगर इलाके में स्थित मणि भवन से वो अगस्त क्रांति मैदान तक गए थे, वही अगस्त क्रांति मैदान जहां से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था वहां पर 1 किलोमीटर तक का उन्होंने पद यात्रा किया है, जहां पद यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद शाम 5 बजे का समय दिया गया है जब ये कहा गया है कि राहुल गांधी मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, आप देखिए कि मंच जो है वो सज चुका है, तमाम जो मेहमान हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं, जो लोग यहां पे आएंगे उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। कई दिनों से ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, बस इंतजार है राहुल गांधी का और इंडिया गठबंधन के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका। इसके लिए ये कहा गया है कि इस सभा में शामिल होने के लिए तमाम जो इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं सभी को न्योता भेजा गया था, लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि अब तक राहुल गांधी के अलावा इस रैली में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से, उसके बाद तेजस्वी यादव, ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे और इस सभा के जरिए एक ही जो संदेश देने की कोशिश की जाएगी वो ये कि विपक्षी गठबंधन जो है चाहे उसमें कितनी भी टूटे आई हो, कितने नेता जो हैं वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए हों, लेकिन अभी भी जो है इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है। वही अगर राष्ट्रीय राज्य स्तर की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में भी हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर ही कई बगावत हुई, कई नेता जो छोड़ के गए, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी संदेश देने की कि महाविकास आघाड़ी भी एकजुट है। यही मौका है, अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है तो यही मौका है जब अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए। एक तरफ राहुल गांधी मुंबई में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलनाडु जिले में एनडीए की चुनावी सभा में शामिल होंगे। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी इस सभा में शामिल होंगे। शाम के 5 बजे पलनाडु जिले के बोपुड्डी गांव में यह सभा शुरू होगी। नीरज पांडे के पास इस बारे में जानकारी हमेशा रहती है, नीरज बताएंगे इस सभा के बारे में। नीरज, मैं आपको बता दूं विवेक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सभा दरअसल इस बात का संकेत है, इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि एनडीए आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहा है, यानी टीडीपी ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। पवन कल्याण जनसेना वो तो पहले से ही है, और प्रधानमंत्री दरअसल आप देखें पिछले 2 महीनों में लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर रहे, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो। तो ये पीएम ने दरअसल पार्टी के बड़े नेताओं को ये समझा दिया है कि आप लोग पूरा उत्तर भारत देखिए, यानी जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, राजनाथ जी, इन लोगों को कह दिया है कि आप लोग उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत के राज्यों को देखिए, मैं अकेले दक्षिण भारत देखूंगा, और दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें 125
25 जो लोकसभा की सीटें हैं उन सीटों पर मैं अकेले इनको अपने कंधे पर लेकर चलूंगा, क्योंकि भाजपा का और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ये उद्देश्य है कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, जो ये तीन राज्य जहां से अभी तक भाजपा के पास एक भी लोकसभा की सीटें नहीं है, वहां से ज्यादा सीटें लाई जाएं और जितने सीटें आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरप्लस होंगी। नीरज, ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी वाला काम है बहुत रिस्की काम है, जहां पे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है उसकी जिम्मेदारी खुद पीएम ने अपने जिम्मे ली।